निकालो 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 भाई। पत्थर पत्थर फेंक दी। सतीश पूनिया का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रिक्त का पेपर कहाँ मिलेगा? साथी तेरे बारे में, साथी तेरे बारे में। रिक्त का पेपर कहाँ मिलेगा? साथी तेरे बारे में। पेट्रोल कह रहे हैं थोड़ा सा साइड में हो जाओ, भी साइड में, अरे साइड में हो जाओ, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गलो तेरी कब्र खुदेगी अभी तेरे बारे में। गलो तेरी कब्र खुदेगी अभी तेरे बारे में। रीट की जो परीक्षा में धांधली हुई उसे लेकर इस सरकार की नीति और नियत में एकदम खोट है, क्योंकि इस परीक्षा में जिस प्रकार से और कांग्रेस के मंत्रीगण कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारे पर उनके रिश्तेदारों को उनके चेतों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पेपर से पूर्व ही उसको लीक करके और पेपर बांटा गया, उसकी तैयारी की करवाई गई और उनकी भर्ती की गई, ये एक षड्यंत्र पूर्व तरीके से की गई थी। और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी सामान्य डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में और पिछले 5-7 रोज से और एक मुखर तरीके से और इस बात को उठा रही है, और इसी को लेकर आप सब जानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इसका इतिहास रहा है, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी विश्वास नहीं रखा। और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के कल कोटा प्रवास के दौरान रास्ते में उनके साथ कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के गुंडों ने जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया, उनपे हमला करने की कोशिश की, ये सारा का सारा जनता के सामने ये स्पष्ट करता है कि इस सरकार की नीयत जो है वो रीट की परीक्षा को न तो सीबीआई जांच करवाने की है और न इसको निरस्त करने की है। मैं निश्चित रूप से आप कार्यकर्ताओं के बल पर ही विश्वास दिलाता हूं कि इस जो रीट की जो धांधली हुई है इसमें सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा और जनता की लड़ाई को हम सड़क से लेकर विधानसभा तक पूरी मुखरता और मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज क्या किया आपने? आज हमने जो डॉक्टर सतीश जी पूनिया के ऊपर कल जो हमला हुआ उसके विरोध में हमने आज जिला कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन किया।